पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके बारे में शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो कि नहीं जानता होगा। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर की ख्याति इस मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि इस मंदिर में मौजूद सैकड़ों हजारों सालों से बंद रहस्यमय दरवाजे हैं। इन दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जो पिछले कई सैकड़ों या हजारों सालों से बंद है। इस दरवाजे पर भयंकर सांपों की आकृति है और साथ ही साथ यहाँ पर एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इन बातों को अनसुना करके जिसने भी इस दरवाजे को खोलने की सोची वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया और जान से हाथ धो बैठा। लेकिन इस मंदिर के पुजारी और धार्मिक लोगों के अनुसार एक ऐसा महायोगी है जो इस दरवाजे को खोलेगा और अंदर के सारे राज पूरी दुनिया के सामने लाकर रख देगा। जिसे पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो ये काम अकेले करेगा। आखिर कौन है वो महायोगी, कहां से आएगा वो और किस तरह इस मंदिर के आखिरी और सबसे भयानक दरवाजे को खोलेगा वो, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल 6 कमरे हैं, ए से लेकर एफ तक। इनमें से ई और एफ कमरे के दरवाजे को अक्सर खोला जाता है क्योंकि मंदिर के अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल में होने वाले बर्तन वहीं पर रखे जाते हैं। सी और डी में सोने और चांदी के जेवर रखे जाते हैं जिन्हें किसी खास दिन पर इस्तेमाल में लाया जाता है। बाकी बचे ए और बी कमरे। इनमें से ए कमरे के दरवाजे को जब खोला गया तब पता चला कि इसमें लगभग 1,00,000 करोड़ का खजाना है। इसी कमरे में महाविष्णु की 3.5 फीट की एक सोने की मूर्ति मिली थी जो कीमती हीरों से जड़ी थी। इसी कमरे में एक 18 फुट लंबी सोने की चेन, हीरे, रूबी और कीमती पत्थरों के बोरे भी निकले थे। अब बात आती है वॉल्ट बी यानी बी कमरे की। माना जाता है कि इस अकेले कमरे में ही बाकी सारे कमरों से ज़्यादा खजाना छुपा है, लेकिन वो कितना है ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया क्योंकि ये अभी तक खोला नहीं जा सका है। त्रावणकोर शाही परिवार सदियों से इस मंदिर की देखरेख कर रहा है। उनका तर्क है कि इसे कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना विश्वास और परंपरा के खिलाफ होगा। इस मंदिर को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं और मिथक भी है। लोगों में मान्यता है कि अगर इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में कहा था कि फिलहाल वॉल्ट बी को ना खोला जाए। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी किताब त्रावणकोर एक गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे के बारे में लिखा है कि साल 1931 में इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद से ये सवाल उठे कि दरवाजा खोलने के वक्त हजारों की तादाद में ये सांप कहाँ से आए और क्यों आए। क्या ये सांप किसी खजाने की रक्षा कर रहे हैं या अंदर कोई ऐसी चीज है जिसे दुनिया के सामने लाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश हुई ठीक वैसे ही ये सांप अचानक से सक्रिय हो गए। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये रक्षक सांप यहाँ सदियों से रह रहे थे जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहाँ पर ये सांप रहते हो। इस दरवाजे की सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इसमें ना कोई कुंडी है और ना ही कुछ ऐसा है जिसे पकड़कर इसे खोला जाए। दरअसल ये दरवाजा लोहे का बना है और इस पर 2 सांप बने हुए हैं जो इस दरवाजे की रक्षा करते हुए दिखते हैं। इस दरवाजे में ना कोई नट बोल्ट है और ना ही ताला लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों के प्रयोग से बांधा गया है। इस दरवाजे को खोलने की एक बार फिर से कोशिश की गई थी। जब शोधकर्ता इस दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। उनके मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, उन्हें बहुत ही डर सताने लगा। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के राजाओं ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था जिसे हजारों सालों तक किसी ने खोला नहीं
और इसके बाद में इस तहखाने को शापित माना जाने लगा। दोस्तों आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि टीपी सुंदर राजन, जिनकी याचिका के कारण दरवाजा खोलने का फैसला हुआ था, उनकी एकाएक मौत भी इसी दरवाजे का श्राप है। उन्होंने सबसे पहली बार कहा था कि मंदिर के तहखानों में अथाह संपत्ति हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा ट्रस्ट इतने अमीर मंदिर के देखभाल करने के लायक नहीं है और इसे राज्य सरकार के हाथ में चला जाना चाहिए। इसके बाद ही कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन इसके बीचों बीच सुंदर राजन की रहस्यमय मौत हो गई। परिजनों ने उनकी मौत के बारे में कहा था कि ज्यादा तनाव के कारण उनकी मौत हुई है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्र के प्रयोग से बांधा गया है। अगर इसे खोलना है तो इसे सिर्फ और सिर्फ गरुड़ मंत्र के सटीक मंत्रोच्चार के साथ ही खोला जा सकेगा। अगर मंत्र में कोई भी गलती हुई तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। इस मंत्र का प्रयोग कोई ऐसा योगी कर सकता है जो कि सिद्ध हो। वो आएगा और इस मंदिर के दरवाजे को सटीक मंत्रोच्चार के साथ खोल देगा। कहते हैं कि वो योगी 16वीं शताब्दी का होगा। इसका मतलब या तो वो अतीत काल से यानी भूतकाल से आएगा, या तो वो अब तक जीवित है और इस धरती पर कहीं ना कहीं साधना में लीन है। जब वक्त आएगा तो इस दरवाजे का रहस्य पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। दोस्तों आप सभी का क्या कहना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस रहस्यमय दरवाजे के बारे में? क्या इसके अंदर खजाना है, कोई उन्नत मशीन है, प्राचीन काल का हथियार है, या ऐसी कोई दिव्य वस्तु है जिसका इंसानों से दूर रहना ही उचित है? अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए वहां पर जरूरी जानकारियां उपलब्ध रहती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।